जनमना पार्टी के अंतर्गत आने वाले भरतवाड़ा और उससे सटे बाकी नगरों की सड़कों पर जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जिससे नागरिक काफी परेशान हैं। इस पर प्रशासन कतई ध्यान नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क में बने गड्ढों में बैठकर कीचड़ के पानी से नहाकर प्रशासन का तीव्र विरोध करते हुए प्रशांत निकम और पवन साहू के नेतृत्व में भरतवाड़ा में जमकर आंदोलन किया। पेश है भरतवाड़ा से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। नागपुर शहर का विस्तार जरूर हो रहा है, जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, किंतु सड़क से वाहन सुचारू ढंग से चलना ये भरतवाड़ा नागरिकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कलमना पार्टी के अंतर्गत आने वाले भरतवाड़ा, भगत नगर, नवकन्या नगर, विजय नगर, लक्ष्मी नगर, शिव शंभू नगर, करारी नगर आदि नगर के हजारों नागरिक सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से काफी परेशान है, चिंतित है। प्रतिदिन इस सड़क से रोजाना हजारों वाहनों का आना जाना शुरू रहता है। कई वाहन धारक इन गड्ढों से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी हुए हैं। बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा है। इस समस्या की शिकायत बार बार प्रभाग 4 के नगर सेवकों से की है, लेकिन इस ओर न कोई पार्षद ध्यान दे रहा है और न ही कोई विधायक। आखिरकार परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने इस समस्या की शिकायत उप शहर अध्यक्ष प्रशांत निकम और भरतवाड़ा शाखा के पूर्व नागपुर उपाध्यक्ष पवन शाहू से की, जिसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता और परिसर के नागरिकों ने सड़क पर चलते हुए आंदोलन किया। इस बीच कलमना थाने की पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। आंदोलनकारी सड़क के गड्ढों से गुजरते आगे आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच आंदोलनकारी सड़क पर बने एक बड़े गड्ढे के पास रुक गए। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता पानी में बैठ गए। इस मौके पर पवन शाहू इन्होंने और कार्यकर्ताओं ने गंदे मैले पानी से नहाया और मनपा प्रशासन, पार्षद, विधायक इनका पुरजोर विरोध किया। भरतवाड़ा की समस्या पर बीसीएन समक्ष पवन शाहू इन्होंने जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम भरतवाड़ा में है, जहां पे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और कई बार इस परिसर के नागरिकों ने प्रशासन को ये बताया कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना यहाँ के कोई पार्षद ध्यान दे रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गड्ढों की परिस्थिति के बारे में उन्होंने बताया। हम सीधा रुक करना चाहेंगे, पवन सौ इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे जाना चाहेंगे। पवन, जिस प्रकार से आज आपने ये जो कीचड़ से जो नहाया, आखिर ऐसी क्या वजह थी? महानगर पालिका को हमने इस रास्तों के बारे में जो आए दिन हादसे होते रहते हैं, नागरिकों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और हर गड्ढे जगह जगह है। मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ, ना नगर सेवक ध्यान दे पा रहे, ना आमदार साहब ध्यान दे पा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे महानगर पालिका के लोग सिर्फ टैक्स आकारने का काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे परिसर में ज़्यादा से ज़्यादा हर गली गली में गड्ढे और रास्ते नहीं है, गटर लाइन नहीं है, नल लाइन नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। जबकि ये 20 से 25 साल हमारे परिसरों में कोई सुविधाएं नहीं है और लोगों से ज़्यादा टैक्स आकार रहे हैं, फिर भी उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे। जैसे कि अभी भरतवाड़ा, गुलमोहन नगर, भारत नगर, भरतवाड़ा टी पॉइंट, ऐसे जगह काफ़ी गड्ढे पड़े हुए, जैसे देखा जाए नवकन्या नगर परिसर, शिव शंभू नगर, इस जाने वाले मार्ग पे इतनी गंभीर रास्ते खराब है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लोग गिरते पड़ते रहते हैं, और जबकि यहाँ पे नगर सेवक हो या आमदार हो, ऐसे लोग ये ध्यान नहीं दे पा रहे। पवन, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज आपने ये जो आंदोलन किया, अगर इसके बावजूद भी कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है या आपके बातों को दरकिनार किया जाता है, तो अगली रणनीति क्या होगी? आज मैं खास करके बताना चाहता हूँ, आज तो मैं नहाया नहीं था, पर आज इस गड्ढे पे नहा के आज मैं खोपड़े जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा सौंदर्यकरण के लिए आज इन्होंने हमारे लिए नहाने का एक तालाब बना के रखा है, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और मेरे हिसाब से सौंदर्यकरण के लिए थोड़ा सा खर्च करें और उसको गड्ढे को ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्यकरण के साथ साथ दुरुस्ती करिए, ऐसी आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर नागपुर, स्वच्छ नागपुर की बातें करने वाले चाहे राज्य सरकार हो या नागपुर प्रशासन, अपने अगर गिरिबान में झांक के देखे तो नागपुर शहर का ये आलम है, ये हाल है कि लोगों को चलना भी मुश्किल हो रहा है, हर जगह में गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव आते ही बड़े बड़े वायदे जरूर करते हैं मगर कामकाज नहीं होता है, जिसके चलते आज पवन साहू इन्होंने कीचड़ से खुद को नहला लिया है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे और नागरिकों की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द छुड़ाने का प्रयास करे, यही समय की मांग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। Yeah!